हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं क्लास टेंथ का बायोलॉजी, जिसका चैप्टर है आनुवंशिकता एवं विकास, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इसका यह दूसरा वीडियो हम आपको दे रहे हैं। इसके पहले हमने 1 से लेकर 23 नंबर के क्वेश्चन तक आपको दिए थे। आज हम 24 नंबर से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन है 24 नंबर का, द्विसंकर क्रॉस के फल स्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटोपिक अनुपात था, यानी कितना था? 3:1, 9:3, 3:1, 1:1, 1:2:1। इसका सही आंसर है बी, 9:3:1। 25 नंबर का क्वेश्चन है, स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र होते हैं, XX, XY दोनों, इनमें से कोई नहीं, और यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ए, XX होता है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, XX, XY दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, XY। 27 नंबर का क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? डार्विन, मेंडल, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक। इसका आंसर है ए, डार्विन के द्वारा की गई थी। 28 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, होमो इरेक्टस, होमो हैबिल्स, होमो सेपियंस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, होमो सेपियंस। 29 नंबर का क्वेश्चन है, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। इसका आंसर है बी, अफ्रीका में। 30वां क्वेश्चन है, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? आपका ऑप्शन है समरूप अंग, समजात अंग, समवृत्त अंग, जीवाश्म। इसका आंसर होगा ए, समरूप। 31 नंबर का क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे? आपका ऑप्शन है लैमार्क, चार्ल्स लॉबर्ट डार्विन, चार्ल्स मूर, अल्फ्रेड मार्क। इसका आंसर होगा बी, चार्ल्स लॉबर्ट डार्विन। 32 नंबर का क्वेश्चन है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? आपका ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने, जेसी बोस ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। इसका आंसर है डी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। 33 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही है? आपका ऑप्शन है डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एटुनिन, डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एनेमिया, डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एक्टिविटी। इसका आंसर होगा बी, डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। 34 नंबर का क्वेश्चन है, कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है
कर्णपाली, कर्ण रक्षक, कर्णपोषी, कर्णधार। इसका सही आंसर है ए, कर्णपाली। 35 नंबर का क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? आपका ऑप्शन है लामार्क, डार्विन, अरस्तु, वाइसमैन। इसका आंसर होगा ए, लामार्क। 36 नंबर का क्वेश्चन है, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? आपका ऑप्शन है 3, 2, 4, 8। इसका आंसर है बी, 2। 37 नंबर का क्वेश्चन है, किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है जीन प्रारूप, जीनोटाइप, ए एवं बी दोनों, जेनेटिक्स। तो आपका सही आंसर है सी नंबर है, ए एवं बी दोनों। 38 नंबर का क्वेश्चन है, जीन प्ररूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित कैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाता है? आपका ऑप्शन है जीन प्ररूप, जीनोटाइप, लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप, जेनेटिक्स। आपका सही आंसर है सी, लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप। 39 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? आपका ऑप्शन है नाविक, व्यापारी, पादरी, कृषक। इसका सही आंसर है सी, पादरी। 40 नंबर का क्वेश्चन है, मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? पी से, टी से, एफ से, एस से। इसका आंसर है ए, पी से। 41 नंबर का क्वेश्चन है, किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है? आपका ऑप्शन है जीन विकास, जीन कोष, भ्रूण विकास, भ्रूण कोष। इसका सही आंसर है जीन कोष, बी ऑप्शन आपका सही है। 42 नंबर का क्वेश्चन है, जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें, यानी जाति उद्भवन किस जीव में होता है? तो आपका ऑप्शन है लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, स्वपरागण होता है, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ए, लैंगिक जनन होता है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है आणविक व्युत्क्रमण, आणविक जाति वृत्ति, आणविक विलोपन, आणविक संकलन। इसका आंसर होगा बी, आणविक जाति वृत्ति। 44 नंबर का क्वेश्चन है, आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, यानी किसे कहा जाता है? मेंडल को, डार्विन को, अरस्तु को, हेल्डेन को। इसका सही आंसर है ए, मेंडल को। 45 नंबर का क्वेश्चन है, जिसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, यानी किसने इस बात को कहा? आपका ऑप्शन है डार्विन के द्वारा, मेंडल के द्वारा, हेल्डेन के द्वारा, अरस्तु के द्वारा। इसका सही आंसर है बी, मेंडल के द्वारा। 46 नंबर का क्वेश्चन है, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? ऑप्शन है दो प्रकार के,
तीन प्रकार के, चार प्रकार के, पांच प्रकार के। इसका आंसर होगा ए, दो प्रकार के। 47 नंबर का क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। आपका ऑप्शन है डार्विन, अरस्तु, हेल्डन, मेंडल। इसका सही आंसर है ए, डार्विन। 48 नंबर का क्वेश्चन है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। आपका ऑप्शन है लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप, जीन प्ररूप या जीपोटाइप, आनुवंशिकी, विभिन्नता। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। इसका आंसर होगा बी, जीन प्ररूप या जीपोटाइप। 49 नंबर का क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। आपका ऑप्शन है जीवाश्म विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, जीव विज्ञान, आनुवंशिकी। इसका सही आंसर है डी, आनुवंशिकी। 50 नंबर का क्वेश्चन है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है। आपका ऑप्शन है चिंपैंजी, गोरिला, बंदर, गिलहरी। इसका सही आंसर होगा ए, चिंपैंजी। 41 नंबर का क्वेश्चन है, 51 नंबर का, पक्षी तथा तितली के पंख है, समजात अंग, असमजात अंग, अवशेषी अंग, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, असमजात अंग। 52 नंबर का क्वेश्चन है, अवशेषी अंग का उदाहरण है कर्ण पल्लव की पेशियां, पुक्ष कशेरुकाएं, निषेचक पटल, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। 53 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है। यह क्वेश्चन 2019 और 2020 में भी पूछा गया है। आपका ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, नाक, एपेंडिक्स। तो इसका सही आंसर है डी, एपेंडिक्स। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।